किसान वीरों राम राम सत श्री अकाल नमस्कार सारे किसान भरावां दा ट्रैक्टर सैंड खेती टक यूट्यूब चैनल ते मोस्ट वेलकम है। तो मैं आशा करदा कि मेरे सारे किसान भी ठीक ठाक होणगे। तो जो अपनी अज दी वीडियो है किसान वीरों, इहनूं जिहड़ा बनाउण दा मकसद है वह यही है कि किसान भीर ना थोड़ी जी जानकारी देनी, तो जानकारी इस टाइप की देनी कि जी बड़ी जरूरी है, वो ना किसी किसान भीर बाद पछताना पे या कहें भी यार पहले पता हों तो आप ठीक रहेंगे। तो जानकारी ये है तो इन्नी का बस, जिदा तुम्हें पता ना भी नवे ट्रैक्टर है जोड़े हूँ 60-50 HP तो CRDI कॉमन रेल डायरैक्ट इंजैक्शन मीनिंग CRDI इंजन के नाल आ गए है सारे लगभग। तो जिले CRDI च आ गए 50 HP के उत्ते, जो 50 HP तो पहले उपर इनलाइन पंप जाते ही वो फिर बंद हो जाने किसान वीरों, तो समझ लो भी लास्ट ही चलता पाया हले बंद होने का टाइम, क्योंकि 31 जी है सितंबर चलता पाया सरकार ने डेडलाइन रखी भी, इस तो बाद मैनुफैक्चरिंग बंद हो जानी है 50 HP के उत्ते जो इनलाइन पंप चा, तो 2-3 दिन रह गए मेरे ख्याल नाल। तो उदा भी जो स्टॉक है वह भी घट ही है कंपनियों को, क्योंकि कंपनियों को पता ही उन्हें पहले CRDI बनाते दिया, तो जो डीलर है वह भी अगो जल्द कंपनी जो माल लिया तो वह भी नहीं लिया घट लिया, उन्होंने भी पता भी डिमांड CRDI की है। तो मैं तो कह रहा कि यह जो मॉडल है ना ये इनलाइन पंप वाला किसान भीरों 655 नोवो 655 DI 2WD मॉडल है, तो इनलाइन पंप चा, तो यह गुरदासपुर एजेंसी खड़ा। तो जे किसी ने खरीदना किसान भीरों, यह नहीं है भी इतों खरीदना कितों भी पंजाब खरीदना या कित भी कोई वीडियो देख रहा, तो अपने लागे डीलर जो कोई लैना चाहता तो जाके पता कर लो छेती, हो सकता कोई 1-2 मॉडल हो तो लै लो, तो उस बाद क्योंकि मुश्किल ही मिलने हैं फिर CRDI वाले आ जाने। मैं तुहानूं जानकारी देनी भी जे किसी ने लैना तो लै लो, इस करके वीडियो बना रहे हैं। टाइम मीनिंग बहुत घट है ट्रैक्टर का, हूँ CRDI का ही है ज्ञान का टाइम। तो ये ना थोड़ी जी जानकारी दे दिना, टैक्नीकल स्पैसीफिकेशन दस दिना, फिर माड़ी जी शो खोल के इंजन भी दिखा देंगे इनलाइन पंप वाले का। तो जी किसान भीरो 65 HP का ट्रैक्टर है, 65 जो इंजन है, तो जी PTO की HP है वो कोई लगभग मेरे ख्याल 59 PTO HP है ट्रैक्टर की, तो जेडे 2100 रेटेड इंजन RPM है मैं ट्रैक्टर के। हाँ इसकी किसान भीरो 56.5 मीनिंग 57 है PTO HP इस ट्रैक्टर की इनलाइन पंप वाले की, लेकिन जो CRDI चाया 4WD CRDI 655 उसकी 59 है PTO HP, यदि 57 है PTO HP 2WD वाले की, 2100 रेटेड इंजन RPM है। तो गेयरबॉक्स की गल करिए तो सिंक्रो मैश गेयरबॉक्स है, ये फॉरवर्ड की स्पीड है जी यदि ज़्यादा तो ज़्यादा कितना दौड़ सकता ट्रैक्टर एक घंटे च, वो है किसान भीरों यदि 33-33 किलोमीटर, तो जी रिवर्स की है वह है 32 किलोमीटर 32 लगभग बराबर ही है, क्योंकि शटल गेयर वाला मॉडल है, जिन्हें यदि अगे दीडा होंगे बैक दियाँ, इस करके जी फॉरवर्ड रिवर्स स्पीड है लगभग बराबर है। 60-65 लीटर का यदा डीजल टैंक है, फ्यूल टैंक व्हील बेस है जोड़ा 2220 mm है, लेंथ 3710 mm, लिफ्ट लगभग 2000 तो वादी है, 2200 kg की लिफ्ट है। तो जोड़े फ्रंट टायर है 750/16 के, बैक है जोड़े 16-28 के किसान भीरों टायर। तो ये तो कुछ ही दी जानकारी टेक्निकल हूँ ना, थोड़ा तुम्हें मैं इंजन दिखा दिना खोल के, तो फिर ये थोड़ा उपरों गेयर वगैरह मीटर वगैरह दिखा दिना उपर वाला ऐसा। तो जी ये पहले आप फ्रंट तो शुरू करने जिदा जोड़ा वेट दिते था ना 2, 4, 6, 8 प्लेटा किसान भीरों, 27 किलो की एक प्लेट है 27 kg की, तो 8 × 27 मल्टीप्लाई कर लो तो लगभग 2-2.25 क्वांटल वेट बन जाना फ्रंट से मंपर शेप। हूँ आप शो खोल लें, तो शो जी खुलनी है वो इधरों खुलनी है किसान भीरों, देख लो इतों सिंगल टच के नाल ही देख लो ओपन है बोनट, ड्राई एयर क्लीनर आ फ्रंट से हैवी। हूँ मेन आ गए इंजन है देख लो, जिदा क्या इनलाइन पंप वाला है ना, 4 नोजल बोच का इनलाइन पंप है, ये 4 सिलेंडर इंजन है, ये फ्यूज वगैरह सारे। तो ये जो ट्रैक्टर है किसान भीरों EGR के नाल है, एग्जॉस्ट की सर्कुलेशन गैस EGR भी दिता कंपनी के, इधरों इंजन वगैरह देख लो। तो ये जो पार्ट देख रहे हो ना तुम बड़ा जहा, मैं इधरों दिखाता थानू आ पार्ट है जोड़ा, यह देख लो ये उपर लिखता भी है HOT होट मीनिंग गर्म होंगे, इनू हाथ वगैरह नहीं लाना कितने भुलेखे नाल, ये तां दिता भी जी इंजन की वाइब्रेशन घट करने लिए, तो साइलेंट रे ट्रैक्टरी का यही काम है। बाकी यह देख लो EGR वाली मोटर है उपर, ये हैड वगैरह इधर,
ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਈ ਜੀ ਆਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ, ਇਹਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਹੁੰਦਾ ਇਗਜੋਸਟ ਰੀਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਗੈਸ। ਇਗਜੋਸਟ ਮੀਨਿੰਗ ਸਲੰਸਰ, ਸਲੰਸਰ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਗੈਸ ਨਿਕਲਦੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਰੀਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਭੇਜਦਾ। ਇਹ ਦੇਖ ਲਿਆ ਮੋਟਰ ਲੱਗੀ ਈ ਜੀ ਆਰ ਵਾਲੀ। ਈ ਜੀ ਆਰ ਦਾ ਇਹ ਮੀਨਿੰਗ ਹੈ ਵੀ ਗੈਸ ਨੂੰ ਰੀਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ, ਇਗਜੋਸਟ ਰੀਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਗੈਸ। ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ ਦਾ ਇੰਜਨ ਹੀ ਕੁਛ ਇਸ ਟਾਈਪ ਦਾ ਇਨਲਾਈਨ ਪੰਪ ਵਾਲੇ ਦਾ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਬੰਦ, ਦੇਖ ਲਓ PP ਪਾਵਰ ਪਲੱਸ DG ਸੈਂਸ ਬਾਏ ਮਹਿੰਦਰਾ 4G। ਮੀਨਿੰਗ ਟਰੈਕ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਟਰੈਕਟਰ ਨੂੰ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਪ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਟਰੈਕਟਰ, ਉਹ ਫੀਚਰ ਦਿੱਤਾ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਹਦੇ 'ਚ। ਹੁਣ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਉੱਪਰ 5 ਫੋਰਵਰਡ, ਹਾਈ ਮੀਡੀਅਮ ਲੋ ਅਤੇ ਸ਼ਟਲ, ਸ਼ਟਲ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਦੀਆਂ ਸਪੀਡਾਂ ਬਰਾਬਰ। 2WD 'ਚ ਹੈ, ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਪਲੇਟਫੋਰਮ ਹੈ, ਬਨਾਵਟ ਇਸ ਟਾਈਪ ਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ AC ਵੀ ਫਿੱਟ ਕਰਾਉਣਾ ਤਾਂ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਇਹਦੇ ਕੋਲ PTO ਵਾਲਾ ਲੀਵਰ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਉਹ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰ ਵਾਲਾ ਲੀਵਰ। ਇਹਦੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਬ੍ਰੇਕ ਆ PTO ਵਾਲਾ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ, ਜਿਹੜਾ ਲੀਵਰ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਆ, ਕਲੱਚ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ PTO ਲੀਵਰ। ਇਹ ਫਾਈਬਰ ਛੱਤੜੀ ਉੱਤੋਂ ਕੰਪਨੀ ਫਿੱਟਡ ਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੈਕ ਹਿੱਸਾ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ। ਫਰੰਟ ਵਾਲਾ ਐਕਸਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਐਡਜਸਟੇਬਲ ਆ, ਚੁੜਾਈ ਵਧਾ ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਡਿਊਲ ਐਕਟਿੰਗ ਪਾਵਰ ਸਟੇਅਰਿੰਗ ਆ ਟਰੈਕਟਰ 'ਚ। ਆ ਦੇਖ ਇਹ ਤਾਂ ਬੈਕ ਹਿੱਸਾ ਜੀ, ਅਤੇ ਇਹੋ ਕੁਛ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਹੋਏਗੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਿਓ, ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਿਓ, ਅਤੇ ਮਿਲਾਂਗੇ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ 'ਚ। ਮੇਨ ਇਹੀ ਪਰਪਸ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲੈਣਾ ਇਨਲਾਈਨ ਪੰਪ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਲੈ ਲਓ, ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ ਅਜੇ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜੇ ਮਿਲਣੇ ਟਰੈਕਟਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਅਦ 'ਚ CRDI ਵਿਕਣੇ ਆ ਕੁਛ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ, ਫਿਰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ 'ਚ।